नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 13 जुलाई है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर जिले में बारिश का कहर अभी भी जारी है, जिसके कारण इरई डैम के 5 दरवाजे 50 सेंटीमीटर से खोले गए हैं तथा नदी के आसपास गांव को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी राहत कार्य के लिए तैयार होने की खबर है। वर्धा नदी में आई बाढ़ के कारण आरवी से राजूरा मार्ग हुआ बंद। इरई नदी के उफान से माना से चारवट हड़स्ती मार्ग भी आज सुबह से बंद हुआ। साथ ही ताहे गांव से लाठी मार्ग भी बाढ़ के कारण बंद होने की प्रशासन ने दी जानकारी। कोरपना तहसील के बीबी से नांदा जाने वाले मार्ग पर पुराना बबुल का पेड़ गिरने से यातायात को लगी रोक। 2 घंटे से इस मार्ग पर दोनों तरफ लगी है वाहनों की लंबी कतार, साथ ही स्कूल जाने वाले छात्रों को भी वापस लौटना पड़ रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार जाने के बाद आई शिंदे, फडणवीस सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया करारा झटका। महावितरण द्वारा बिजली की दरों में की गई वृद्धि, पहले ही महंगाई से जूझते नागरिकों पर सरकार ने बिजली का बम गिराकर उनकी मुश्किलों में भी कर दी वृद्धि। मूल शहर में बारिश के चलते मकानों में घुस गया है पानी, जिसके कारण नागरिकों के हाल हो चुके हैं बेहाल। राशन सामग्री भी हताहत हुई है, जिसके चलते विधायक सुधीर मुनगंटीवार को इस बारे में पता चलते ही राशन सामग्री किट का वितरण आहत हुए नागरिकों को किया गया। भद्रावती और कोंडा फाटा के बीच रास्ते पर खड़े ट्रक को गणराज ट्रावर्स ने दी जोरदार टक्कर, इसमें जख्मी यात्रियों को चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। बारिश के कारण सुहाने मौसम का मजा लूटने मानिकगढ़ पहाड़ों से गिरते जलप्रपात को देखने के लिए उमड़ पड़ी है पर्यटकों की भीड़। यह सुंदर नजारा अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हुए पर्यटक। अहेरी तहसील में मूसलाधार बारिश के कारण कई नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई मकानों में पानी घुसने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। राहत कार्य पर जुटे जवानों द्वारा अभी तक 87 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दिल्ली और पंजाब में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र की ओर रुख मोड़ दिया है। राज्य में आई नई सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि करने पर राज्य भर में आम आदमी पार्टी द्वारा छेड़ा जाएगा आंदोलन। 12 जुलाई को नागपुर जिले के नांदा गोमुख छत्रापुर पुलिया से 7 यात्रियों से भरी स्कॉर्पियो बाढ़ की चपेट में बह गई, जिसमें से 3 लोगों के शव हाथ लगे, अन्य 4 लोगों की तलाश जारी है। मृतकों के परिजनों को ₹4 लाख की मदद की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें। फटाफट और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।